दोस्तों इच्छाधारी नागिन बेहद ही खतरनाक होती है। जब चाहे जैसा चाहे कोई भी रूप धारण कर सकती है। जब लोगों के बीच रहती है परंतु लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके बीच वो नागिन इंसानी भेष धारण कर रह रही है। वहीं दोस्तों अगर आपको कभी भी नाग नागिन दिख जाए तो उन्हें छेड़ना बिल्कुल भी नहीं। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान गलती से नाग को मार दे तो उस नाग की नागिन उसका 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती, जब तक कि नागिन का बदला पूरा ना हो जाए। दोस्तों इसी आधार पर घटित हुए एक सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ। ये घटना केवल 27 साल ही पुरानी है और एक बुजुर्ग के साथ घटित हुई थी। दिनकर नाम का एक व्यक्ति उस समय नगर निगम में चुंगी वसूलने का काम किया करता था। उनकी पोस्टिंग राजपूत रोड दिल्ली में थी। एक दिन वो अपनी ड्यूटी के समय खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी अचानक एक नाग झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ जाता है। पहले तो वो नाग को देखकर घबरा गए, परंतु बाद में पास ही में रखे एक डंडे को उठाया और नाग के फन पर दे मारा, जिसकी वजह से नाग घायल हो गया। उसके बाद उनके 2-4 डंडे और मारने से उस नाग की वहीं पर मृत्यु हो गई। अब उन्होंने उस सांप को झाड़ियों में फेंक दिया। बाद में जब उनके बाकी साथी कर्मचारी उनके पास आए और वहां पहुंचकर उन्होंने पूछा कि तुम इतना डरे क्यों हुए हो, तो दिनकर बताते हैं कि मैंने एक नाग को अभी अभी मारा है। और बाकी की सारी घटना उन्होंने अपने साथी कर्मचारियों को बता दी। सभी लोगों ने कहा आपने बहुत गलत किया। उनमें से 2-3 व्यक्तियों ने तो कहा कि दरअसल यहाँ कई दिनों से हमने भी नाग नागिन का जोड़ा देखा है, ये दोनों यहाँ पास ही की झाड़ियों में रहते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब नागिन शायद आपसे बदला जरूर लेगी। परंतु दिनकर ने ये सब बातें फजूल समझी और उस समय तो बात को टाल दिया। कुछ दिन बाद दिनकर का तबादला हो गया और वो शादरा दिल्ली में नौकरी करने लगा और उस बात को भूल भी गया। फिर करीब 9 साल बाद प्रमोशन मिलने की वजह से एक बार फिर से बड़े अधिकारी के रूप में उनकी पोस्टिंग राजपूत रोड में हो गई। वो पिछली बार की सारी बातें भूल चुके थे, किंतु उन्होंने यहाँ जिस दिन अपनी ड्यूटी दोबारा संभाली उसी दिन दोपहर को जब वो खाना खाकर बैठे थे, तभी अचानक नागिन ने उनके सामने आकर अपना फन फैला लिया और जोर जोर से फुकारे मारने लगी। डर के मारे वो उछल पड़े और पास ही में ऊपर टंगी रस्सी पर लटक गए। करीब 2 घंटे तक वो लटके रहे, लेकिन नागिन ने अपना फन नीचे नहीं किया। फिर जब नागिन का थोड़ा सा फन झुकता हुआ नजर आया तो उन्होंने छत से कुदाक मारकर पास में रखी अपनी साइकिल उठाई और सड़क की तरफ भागने लगे। कई किलोमीटर तक साइकिल चलाने के बावजूद भी जब नागिन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उसके बाद थकान होने की वजह से वो बेहोश होकर रोड पर ही गिर पड़े। रोड की दूसरी तरफ कुछ मजदूर काम कर रहे थे, उनमें से एक मजदूर की उन पर नजर पड़ गई। तभी सारे मजदूर उनके पास आ पहुंचे। इससे पहले वो आदमी होश में आता उन्होंने पीछे आ रही नागिन को देख लिया और सारे मजदूरों ने मिलकर उस नागिन को मार दिया। जब दिनकर को होश आया तो उसने मरी हुई नागिन को अपने पास में पाया। उन मजदूरों में से एक मजदूर बुजुर्ग भी था और समझदार भी था। वो जान चुका था कि नागिन इस आदमी का पीछा क्यों कर रही थी। वो बुजुर्ग मजदूर ने दिनकर से कहा कि आपने इस नागिन के नाग को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये नागिन 7 जन्मों तक आपका पीछा करती रहेगी। इसका जब भी पुनर्जन्म होगा ये आपसे बदला लेने जरूर आएगी। ये बात सुनकर दिनकर पूरी तरह से डर चुका था, तो उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि इसका कोई उपाय भी बताइए। उस बुजुर्ग ने कहा इसका अब एक ही उपाय है, आपको इस नागिन का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा, तभी इसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जिस तरह एक मनुष्य की चिता सभी विधि विधान से जलाई जाती है, ठीक उसी प्रकार उस नागिन का भी पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करो। दिनकर ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस बुजुर्ग मजदूर ने कहा था। अंतिम संस्कार के साथ ही 13 पंडितों को बैठा कर खाना भी खिलाया। तो दोस्तों इस बात से ये एक चीज तो साफ हो जाती है कि नाग नागिन का जोड़ा अगर हमें कहीं भी दिख जाए तो हमें भूल से भी उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए और मारना तो भूल कर भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी सांप से अगर आपको खतरा ज्यादा ही लगे तो मारने के बाद उसके शरीर को विधि विधान के साथ जला देना चाहिए। जब एक किसान भक्त की रक्षा करने आई माँ दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दें जय माता दी। राजस्थान के एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहा करता था। दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लीन रहता
और पास के दुर्गा मंदिर में जाकर श्रृंगार करता और उन्हें भोग लगाया करता और उसके बाद उनकी सेवा किया करता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आता तो वो माँ दुर्गा से मदद की गुहार लगाता। उसकी आस्था भी तो ऐसी थी कि माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूरा करेगी। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा कि माँ, मेरे जीवन में बस आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। मैं एक बार आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। गांव वाले उसकी बातें सुन सुनकर उपहास उसका उड़ाया करते थे कि देखिए ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो रहा है, ऐसा कभी हो सकता है भला कि माँ दुर्गा स्वयं आए और उसको दर्शन दे दे। परंतु उस आदमी ने अपनी आस नहीं छोड़ी। उसे तो विश्वास था कि माँ दुर्गा एक दिन जरूर आकर उसे अपने दर्शन देकर जाएगी। उस दिन किसान को एक जरूरी काम से दूसरे गांव में जाना था। वो सुबह सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा करके गांव के लिए निकल पड़ा। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे एक पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना कार्य खत्म करके वो वापस से अपने गांव की ओर निकल पड़ा। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पाँव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहाँ पर से पेड़ की एक डाली को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में अब वो असमर्थ था। वो नीचे चिल्ला रहा था, किसी को अपनी मदद के लिए बुला रहा था, पर दोस्तों वहाँ उस रास्ते पर कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई और उसने उस आवाज को सुनकर नीचे देखा। नीचे देखकर वो पूछने लगी कि आप कौन हो, आप नीचे क्या कर रहे हो, नीचे कैसे गिर गए हो। तब उसने बताया कि मेरा पैर यहाँ से क्रॉस करते हुए फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ। अब तुम भाग कर जाओ और किसी को बड़े को बुला कर लाओ। उस लड़की ने कहा कि किसी को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं आपको खुद ही ऊपर खींच लूंगी। उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करी। वो छोटी सी थी और उस वक्त उस व्यक्ति तक उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बड़ी होने लगी और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। और उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा, मैंने तुम्हारी चुनरी को तो पकड़ लिया है, परंतु तुम मुझे ऊपर कैसे खींच पाओगी। उस लड़की ने उसे ऊपर खींचना शुरू किया। बच्ची मुस्कुराते हुए बोली, आप घबराइए मत, मैं आपको ऊपर जरूर खींच लूंगी। और धीरे धीरे करके वो छोटी सी बच्ची ने उस आदमी को ऊपर खींच ही लिया। उस व्यक्ति को जब उस बच्ची ने बचा लिया और ऊपर ले आई, तब उस व्यक्ति ने उस बच्ची को धन्यवाद किया और उससे पूछा कि तुमने अकेले ही मुझे कैसे खींच लिया, तुम तो छोटी सी बच्ची हो। उस बच्ची ने उत्तर दिया, ये तो मेरा कर्तव्य था, जो मेरा है, जो मेरे अपने हैं, मुझे उसकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कहकर वो बच्ची कहीं गायब हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा के लिए आई थी। वो घर वापस गया और गांव वालों को सबको ये बात बताई। सबने उसका फिर से उपहास उड़ाना शुरू कर दिया और उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। लेकिन वो जानता था कि ये मजाक नहीं है, सच में माँ दुर्गा आई थी और उन्होंने ही इसके प्राणों की रक्षा करी है। वो वापस से भाग कर मंदिर में गया और माँ से कहने लगा कि आपने आज मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी है, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए सदा आपका मैं आभारी रहूंगा। और वो व्यक्ति हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी माता के सच्चे भक्त जरूर लिख दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।